हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अहमद आफरीदी एंड यू आर वाचिंग अहमद आफरीदी ऑफिशियल। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो उसी कंटिन्यूशन में है, एडिटर्स की कंटिन्यूशन में। आज मैंने दो तीन टिप्स आपको बतानी हैं कि हाउ टू बिकम अ वेरी गुड एडिटर। इसमें देखें, एक एडिटर क्या करता है, एक एडिटर चीज़ों को एडिट करता है, उसको वो कट्स लगाता है, वो असेंबल करता है म्यूज़िक को, वो मिक्स करता है, उसको सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता होता है। तो क्या यही एक एडिटर है? नहीं, ये तो हर एडिटर को पता है कि सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, कट कैसे लगाते हैं, ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं, इफ़ेक्ट्स कैसे लगाते हैं, म्यूज़िक कैसे मिक्स करते हैं। तो फिर एक आम एडिटर में और एक ख़ास एडिटर में क्या फ़र्क है? देखें, एक ख़ास एडिटर के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि उसको सॉफ्टवेयर का सारे पता हो, उसको ट्रांजिशंस का पता हो, उसको मैकेनिकल कट्स का पता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो एक एक्सीलेंट एडिटर होता है वो स्क्रिप्ट की फील को समझता है, वो एडिटिंग के पेस को समझता है, फिर वो उस सीन में से फील बना के लोगों के साथ कनेक्ट करता है ताकि राइटर जो कहना चाह रहा है वो लोग ओन करें। हैप्पी है तो वो लोग खुश हों, सैड है तो लोग उदास हो जाएं, अगर सस्पेंस है तो लोग हैरान रहें, परेशान रहें, तजस्सुस में रहें। ये फील बनाने के लिए और फिर उसको लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, मुझे लगता है वो एक आम एडिटर नहीं कर सकता, वो एक एक्सीलेंट एडिटर ही कर सकता है। एक्सीलेंट एडिटर बनने के लिए मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी का, कोई अपनी पसंद का कोई एडिटिंग सीक्वेंस उठाएं, उसको अपनी टाइमलाइन पे लेके आएं और हर कट पे कट लगा के उसको क्लिप में डिवाइड कर लें और फिर वो देखें कि वो कितना शार्प है, एडिटर ने उसको कितना क्रिस्प या कितना लूज कट किया हुआ है। दूसरी बात ये कि जब आप किसी आप एडिटर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी एडिटिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि आपका शुमार एक आम एडिटर से एक बेहतर या एक्सीलेंट एडिटर में हो जाए, तो आप कम अज़ कम एक प्रोजेक्ट किसी बहुत अच्छे एडिटर के साथ ज़रूर असिस्ट करें, उसको रॉ से फिनिश तक उस प्रोसेस को देखें, उसकी टेक्निक को समझें कि वो रफ़ कट क्या करता है, फिर वो फाइनल कट क्या करता है, फिर उसके वो फाइनलाइजेशन में उसको जो क्रिस्प करता है वो कैसे करता है, उसके सीक्वेंस कैसे बनाता है, ये समझें। दूसरी बात ये कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप एडिटेड वीडियोस पे ना करें। जिस तरह मैं, चूंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमने एडिटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करें, तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास फुटेज तो है नहीं, तो हम फिर वो नेट से गाने माने उठा लेते हैं और वो कोई फिल्म उठा लेते हैं, उसका प्रोमो बना लेते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखें, अगर आप फिल्म से कोई चीज़ उठा रहे हैं तो फिल्म में तो ऑलरेडी वो एडिटेड चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी लाइट बड़ी अच्छी ग्रिड की हुई है, साउंड बड़ा अच्छा मिक्स किया हुआ है, उसकी डायरेक्शन बड़ी अच्छी हुई है, फ्रेमिंग बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो आप कहीं से भी उठा के चीज़ें जोड़ देंगे ना तो वो आपको अच्छा ही लगेगा, वो किसी को भी अच्छा ही लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उसके चंक्स ही बहुत अच्छे हैं जो आपने उठाए हैं, जो ऑलरेडी एडिटेड हैं। तो आपको अपनी एडिटिंग स्किल का नहीं पता लगेगा, इस तरह ना ही आपकी स्किल इंप्रूव होगी। आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है, आपने रॉ चंक्स पे करनी है, रॉ उठाना है चंक्स, ताकि जब आप कोई चीज़ फाइनल करें तो फिर आप देख सकें कि ये आपने उसमें कितनी एडिटिंग की स्किल इन्वॉल्व, अपनी स्किल दिखाई है उसमें आपने। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी दो टिप्स जिस पे अमल करके आप अपनी एडिटिंग स्किल को एनहांस कर सकते हैं। नंबर वन, कि आप अपने कोई बेस्ट जो एडिटिंग सीक्वेंस है उसको उठाएं और उसको टाइमलाइन पे कट करके देखें। दूसरा, एक किसी बहुत अच्छे एडिटर के साथ एक प्रोजेक्ट ज़रूर असिस्ट करें। उम्मीद है आपको ये मेरी दो बातें समझ में आ गई होंगी और यकीनन इस पे अमल करके आपको फ़ायदा भी होगा। अगले मेरे व्लॉग्स भी एडिटिंग के हवाले से ही, हम प्रोजेक्ट्स सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे और फिर इसके मैकेनिकल और टेक्निकल कट्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई ना समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे सवाल लिख के भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको फिल्म मेकिंग के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।